क्या वो सच था सीजन 3 द अर्बन लेजेंड स्पेशल पावर्ड बाय रेड राइडिंग स्टार्स ब्यूटी से क्यूटी से ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। क्या आप जानते हैं कि जापान में रेलवे ट्रैक के पास खड़े होने की सजा क्या है? मौत, एक दर्दनाक मौत। जहां एक तरफ जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया भर में अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, वहीं एक रेंगता हुआ खौफ भी रेलवे ट्रैक्स के पास मंडराता रहता है और इसका शिकार बनती हैं खूबसूरत लड़कियां। पर ये खौफ है किसका? वो कौन है जो अंधेरों में रेंगते हुए लोगों की जानें ले रहा है? मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आत्माओं की कहानियां तो दुनिया भर में मशहूर हैं, उन मुल्कों में भी जहां साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। आज भी दुनिया भर में ऐसी कई वारदातें होती हैं जिनका जवाब साइंस या टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। ऐसी ही एक घटना की तहकीकात करने के लिए मैं अपने साथ सुमन तोरे को लेकर जापान गया और वहां पहुंचने के बाद हमारे सामने दिल को दहला देने वाली एक सच्चाई सामने आई। वो सच्चाई थी टेकी टेकी की। टेकी टेकी के खौफ को अपनी आंखों से देखने वाले कुछ लोगों से सुमन तोरे ने बात की। हाय, यू मस्ट बी सुमन तो। यस आइको, मैंने ही आपसे फोन पे बात की थी। यस यस, प्लीज कम इन। थैंक यू आइको। क्या ये सच है कि टेके टेके का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, उसके पैर नहीं है और वो अपने हाथों पर रेंग कर चलती है? Yes, it's true. Oh God, it was so horrifying. If you don't mind, मुझे आप डिटेल में बताएंगे कि आपने टेके टेके को कब और कहाँ देखा? कुछ 2 साल पहले मैं अपनी एक फ्रेंड हान के साथ लास्ट शो देखकर वापस आ रही थी। हम लोग सबवे गए टू टेक अ ट्रेन। रात काफी हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पे हमारे अलावा और कोई नहीं था। हान बार बार मुझसे मजाक कर रहा था कि अगर वो ट्रेन के सामने आ गया तो क्या होगा। सोचो, अगर इस सुनसान रात में कोई अचानक तुम्हें ट्रेन के नीचे धक्का दे दे तो। वेरी फनी। हान, ये आवाज किस चीज की है? कौन सी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहीं कोई आ तो नहीं गया? स्टॉप इट हान। और फिर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी। ये कैसी आवाज है? वो मेरे सामने थी, एक औरत जिसने काला गाउन पहना था, खूबसूरत चेहरा, और उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे, पर उसके पैर नहीं थे और उसके हाथ बांस के पंजों जैसे थे, नुकीले शार्प, और उनमें मेटल की चूड़ियां थी। वो हाथों के बल जमीन पर जोर से रेंगते हुए हमारी तरफ आ रही थी। उसने हान को अपने हाथों से पकड़कर गिरा दिया। वो बचने की कोशिश कर रहा था पर भाग नहीं पाया। ये तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है क्यों? छोड़ो, पहले जवाब दो। छोड़ो। ये तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है? छोड़ो, छोड़ दो। हान, भागो। एकाएक उसने मुझ पर अटैक कर दिया। समरी, हेल्प, कोई बचाओ हमें। इसे भी अपने जैसे बना दूं? फिर तो तुम मुझसे प्यार करोगे ना? हान के पैरों पे उसके पंजों के निशान थे। उसका फ्लैश बाहर निकल गया था। वो
पूरे प्लेटफॉर्म पे खून ही खून था। देखो प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। अरे कहाँ कहाँ लेके जा रही है उसे? अरे छोड़ दो उसे। आइको तेगी तेगी मुझे रेलवे ट्रैक तक ले गई। बचाओ, कोई है? प्लीज प्लीज। मेरे पूरे शरीर पर उसने अपने पंजों से खरोंच दिया था। बस अभी ट्रेन आती ही होगी। इसी ट्रेन के नीचे आकर मैंने अपने पैर खो दिए। अब इसकी बारी है। प्लीज, प्लीज, नहीं मुझे छोड़ दो। और फिर ट्रेन आ गई। जैसे ही ट्रेन आई उसने मुझे धक्का दे दिया। What? फिर आप कैसे? मैं कैसे बची? हाल की वजह से। उसने कंट्रोल रूम में जाकर ट्रेन रुकवाई। अगर उस दिन वो ट्रेन नहीं रुकती आज शायद। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती थी? सुमन तो कहते हैं कि कई साल पहले एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। उसकी खूबसूरती पर सब मरते थे। उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो दोनों घर से भागकर शादी का प्लान भी बनाते हैं। लेकिन लेकिन उसके पहले ही आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। क्या? हाँ, लेकिन वैसे भी हम शादी करने वाले है ना, तो ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसे कहकर वो उसे छोड़कर चला गया और तेगी तेगी के पास अपने गांव जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन जब वो वापस गई तो उसकी लाइफ और भी मिजरेबल हो गई। पता नहीं किसका बच्चा है ये। इसने सबकी बदनामी की है। इसको सजा मिलनी ही चाहिए। अपनी सुंदर शक्ल का फायदा उठा के ये लड़कों को फंसाती है। हाँ हाँ, चलो इसकी शक्ल ही खराब कर देते हैं, नहीं तो हमारे लड़कों पर भी डोरे डालेगी। और उन लोगों ने उसके बाल काट दिए। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। उन लोगों ने उसके चेहरे पर कालिक पोत के उसे पूरे गांव में घुमाया और सब उस पे हंसे। नहीं। कितनी बदसूरत दिख रही है। चुड़ैल जैसी दिखती है और डाल दूसरों के लड़कों पे डोरे हैं। देखी देखी इस इंसल्ट को सह नहीं सकी और उसने ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लिया। कहते हैं जब उसकी बॉडी मिली तो उसका शरीर दो हिस्सों में कट चुका था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको दिखा। हाँ। इसके बाद सुमंथो ने जापान में ही रहने वाले चीनों से बात की, जिन्होंने खुद टेकी टेकी को देखने का दावा किया था। हाय चीनो। हाय शुमंतो, प्लीज कम इन। थैंक यू। तो चीनो, आपका सामना टेके टेके से कब हुआ? जब मैं कॉलेज में थी हम अपनी फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे थे। हम पांच लड़कियों का ग्रुप था, युका, चिहिरो, यूई, यानी और मैं। हमने सोचा कि बस को निकलने में थोड़ा टाइम है तो हम लेक के पास होकर आते हैं, लेकिन हमें लौटने में देर हो गई और हमारी बस छूट गई। हम सब ने सोचा कि वैसे भी बस छूट गई है तो हम कुछ और देर मस्ती करके लास्ट ट्रेन लेकर वापस चले जाएंगे। हे चीनो, लिसन, आई थिंक हमें ये ट्रेन नहीं लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स यूका, अभी तो हमारे लिए लीमो आने वाली है ना। हा हा, वेरी फनी। अरे चलो जल्दी, नहीं तो लास्ट ट्रेन भी छूट जाएगी। हम सब स्टेशन पहुंचे। एज यूजुअल लास्ट ट्रेन के टाइम पे हार्डली कोई प्लेटफॉर्म पे रहता है। हम लोग मस्ती करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। अरे जल्दी कर यार, यू गाइस आर क्रेजी। गाइस, तुमने कोई अजीब सी आवाज सुनी? सुनी ना, तेरे फार्ट की। व्हाटएवर। और फिर हम सब ने उसे देखा। वो रेंगते हुए ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट से हमारी कंपार्टमेंट की तरफ आ रही थी। ओह शिट, ये क्या है?
ये टेकी टेकी है। सब डर के मारे मानो बुत बन गए थे। जल्दी भागो गाइस, अगर इसने पकड़ लिया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। रन गाइस रन। ओह माय गॉड यार, ये कैसी जगह है। गाइस सेव मी गॉड प्लीज। शिट, भागो। हम भागते हुए लास्ट कंपार्टमेंट तक पहुंच गए। युका दरवाजा स्लाइड करो, जल्दी जल्दी। और फिर हमारा स्टेशन आ गया। हम जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरे और ट्रेन चली गई। ओह गॉड, क्या जो हमारे साथ अभी हुआ वो सच था? नहीं पता नहीं, पर जल्दी चलो, जल्दी चलो यहाँ से। हाँ यूवी ठीक कह रही है। अरे यूवी, ये तेरे हाथों पे निशान कैसे? देख देख, खून भी आ रहा है। हमने देखा कि यूवी के हाथों पे पंजों के निशान थे, उसका बहुत खून बह रहा था। हम सब भागते हुए बाहर जा रहे थे कि किसी ने चीरो को पीछे से जकड़ लिया। पीछे मुड़ के देखा तो वो वापस आ गई थी। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही बच के चले जाओगे? चिहिरो जमीन पे थी, दर्द से करा रही थी और उसका पैर अलग हो चुका था। चिहिरो, मेरे पैर। चिहिरो, बचाओ मुझे। हम सब अलग अलग डायरेक्शंस में भागे और देखते ही देखते एक टेकी टेकी की जगह अब पांच टेकी टेकी हमारे पीछे थे। तुम सबको भी अपनी तरह बना दूंगी मैं। यानी भाग रही थी कि टेकी टेकी ने उसके बाल पकड़ के उसे खींचा। वो उसे जमीन पे खींचते हुए ट्रैक के पास तक ले गई और उसे ट्रैक पे फेंक दिया। अगर बचना है तो ट्रेन के सामने कूद जाओ। मैं दौड़ के स्टेशन मास्टर के कमरे में गई और मैंने अंदर से लैच लगा ली। मेरे हाथ पे कुछ गीला गीला गिरा। मैंने देखा तो वो खून था। मैंने ऊपर देखा तो टेकी टेकी पंखे के ऊपर थी। उसकी शक्ल कंकाल जैसी थी, कोई फ्लेश था ही नहीं। उसके मुंह से खून गिर रहा था। मैं डर के मारे वहां से भागी और बाहर आई। आई वॉज लुकिंग फॉर माई फ्रेंड्स। मैंने देखा जमीन पे खून के निशान थे। मैं उनको फॉलो करके ट्रैक तक पहुंची तो देखा कि उन चारों की लाश वहां पड़ी थी और उनका शरीर दो हिस्सों में था। टेकी टेकी के बारे में कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स पर ही रहती है और हर लड़की को अपने जैसा बना देना चाहती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जहां आइको को वो प्लेटफॉर्म पर देखी, वहीं चीनो और उसके दोस्तों ने उसे ट्रेन के अंदर भी देखने का दावा किया। पर अगर वो जमीन पर ही रेंगती है तो चीनू ने उसे पंखे के ऊपर कैसे देखा? और आइको ने कहा कि वो बहुत सुंदर थी, पर चीनू ने उसे कंकाल की शक्ल में देखा। क्या ये सच्ची घटनाएं हैं या इंसानी दिमाग के डर की उपज? आप भी इसी बारे में सोच रहे होंगे तो सोचिए, क्योंकि कल रात मैं फिर तैयार रहूंगा आपके लिए ऐसी ही एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर आप भी कह पड़ेंगे। और एक आखिरी बात, क्या आप भी घर लौटने के लिए लास्ट ट्रेन लेते हैं? अगर हाँ तो ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई रेंगता हुआ इंसान आपके पीछे न पड़ जाए। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर। क्या वो सच था? सीजन 3 पावर्ड बाय रेड राइडिंग स्कार्फ।